डर गया ना बंदे भैया, देखे हम ना, हमें बड़ा मजा आता है तो फुलवा पे जो लोगों को डराने में ना आवाज बदल के बड़ा मजा आता है हमको। और मालूम है कौन सिखाए हमको? बस इसे चाचा, हाँ वही सिखाए। अभी मत बोलिए जानते नहीं आप उनको। अबे अब ये बसेसर चचा कौन है? अरे ये वो ही है जो अपनी सारी लज्जों को लेकर भाग गए थे, जिनको भागने में आपने मदद की थी। अब ये ना कहिए कि आप जानते नहीं। अबे हम तेरे हाथ जोड़ते, तेरे पांव पड़ते भाई, तू क्यों हमारी जान के पीछे पड़ा है? ना हम किसी लच्छों को जानते हैं, ना हम किसी बसेसर चचा को जानते हैं, ना हम धुर्री देवी को जानते हैं, ना हम धुर्रे लाल को जानते हैं, ना हम कंचन बुआ को जानते हैं, और ना ही हम वो चाची को भी ना ही जानते हैं। अबे रख दे भाई फोन, मत पड़ हमारी जान के पीछे। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तुम कहे रुके, तुम गाना सुनाओ। ठीक बा, हमरे पिया गए रंगून, वहां से किए हैं टेलीफोन, ले लीजिए ना कॉल आ रहा। कैसे ले ले, हमारा रिश्तेदार लगता है क्या? पर तुमसे गाना तो ढंग से गाया नहीं गया। फोन उठा लो। हम तो गा ही रहे हैं, आपका ही फुनवा बार बार बचता है, तो हम क्या करें? ज़्यादा बकवास मत करो। हम भी काहे चिल्ला रहे, हम क्या किया? जुबान लड़ाती हो हमसे? कल भी तुमने ऐसे हमारे साथ जुबान लड़ाई, और इसी जुबान लड़ाने के चक्कर में तुमने बर्बाद करके रख दिया हम लोगों को। हैं भंडारी बोल रहा है, भंडारी। अबे भंडारी, हम साले तेरे सारे भांडे फोड़ देंगे, देखना तू। Good night, everybody. Good night. कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ऑलरेडी की भैया को अभी अम्मा जी को कॉल करते। हेलो। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे। हाँ जुग जुग जी, हमरे बच्चे का हुआ? तुम्हारा आवाज इतना भर्रा का आ रहा है। ओ भाई हमरा। रुक जाओ बहुरिया, उबाइल का ई हिम्मत है? वो कहता हम बताते हैं कि गुस्सा का चीज होता है। रुक जाओ, आ करके उबाइल का हलवा टाइट करते हैं। ठीक बा अम्मा जी, हम डंडे को जो है तेल पिला कर रखते हैं। हाँ ठीक बा। अपना गेम खेलने के लिए फोन मिल गया। अरे हमारा फोन। अरे रुका। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अबे यार ये सुबह सुबह किसका फोन आ गया? अब ये म्युनिसिपैलिटी का अफसर का फोन कहाँ से आ रहा है बे? जी हेलो सर, कहिए कैसे याद किया? सब कुशल मंगल है? मिस्टर तिवारी, आपके लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। क्या 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 बुरी खबर है सर? आपका जो खोखा है दाल मंडी में, उसको डिमोलिश करने के ऑर्डर्स आ गए, मतलब उसको जमी दोस्त करने के ऑर्डर्स आ गए। जमी दोस्त करने का ऑर्डर मिला? अरे सर ये आप क्या बात कर रहे हैं सर, हमें तो कोई नोटिस वोटिस नहीं मिला। नोटिस दिया गया था आपके चाचा को, वो जो आपके चाचा ना, क्या नाम है उनका, बसेसर चाचा, उनको दिया था नोटिस हमने। बसेसर चाचा? अरे कौन बसेसर चचा भाई, हमें याद नहीं आ रहा है। अरे वही जो अपनी साली को लेके भाग गए थे, जिसको आपने मदद भी करी थी भागने में। एक मिनट। तू भंडारी बोल रहा है? मन्नू भैया पहचान के भंडारी बोल रहे, भंडारी बोल रहे, भंडारी बोल रहे। साले तूने फिर हमारी फिरकी ली। मन्नू भैया, जब से बसेसर चाचा ने हमको तकनीक सिखाई है ना, तब से हमें लोगों के गुर्दे जाम करने में बड़ा मजा आता। क्या चाहिए? भाई साहब फोन दिखाना। भाग चलो, भाग ऐसे, भाग, कोई फोन नहीं है, भाग सारा, भाग। मन्नू भैया, अबे तू एक बार हमें मिल, हम तेरे गुर्दे जाम ना कर दे तो हमारा नाम मनमोहन तिवारी। मन्नू भैया, जिप में आ गई क्या उंगली? हेलो मन्नू भैया, हेलो मन्नू भैया, हेलो बोल। देखिए धमकी मत दीजिए, वरना हम टीटू मामा से बोल देंगे, शिकायत कर देंगे आपकी। हाँ अबे कौन टीटू मामा? कहा मन्नू भैया, माथा वाला ठुकवा कहाँ आएगा कहीं से? सारे रिश्तेदारों को भूल रहे हैं बारी बारी से। हाँ अब एक बात सुनो हमारी,
अबे जब कोई रिश्तेदार है ही नहीं तो याद किसको रखें? अरे मन्नू भैया, टीटू मामा को याद रखिए, वो भूलने वाली पार्टी नहीं है। गंज ढुंडवारा में बड़े फेमस है। हाँ, बड़ा जलवा, उनका धुआं काटे रहते हैं वो। अरे भाई, तू कौन से गंज ढुंडवारा वाले टीटू मामा की बात कर रहा है बे? अरे यशोदा मामी के पति की बात कर रहे हैं। अब जी यशोदा मामी कौन है बे? अरे जिन्हें छितर चाचा ने छेड़ा था, याद है? बड़ी पिनपिना गई थी क्या बे? 500 का रिचार्ज दो भैया। एक सेकंड मनु भैया, राहुल कीजिएगा। हाँ, क्या बोल रहे थे मन्नू भैया? हम वो जो छित चाचा है ना, उन्होंने छेड़ दिया था, उनको पिन आ गई थी एकदम से। अबे छित्तर चाचा बीच में कहाँ से टपक पड़ा? अरे छत्रपाल दादाजी के बड़े वाले लौंडे हैं, बहुत बड़े वाले हैं। देख बे, अगर तूने अब ज्यादा रिश्तेदारियां निकालने की कोशिश की ना, तो साले हम तेरा सर फोड़ देंगे। मन्नू भैया ऐसा मत कीजिएगा, वरना जराली वाले जो गोवर्धन था वो बुरा मान जाएंगे, बहुत प्यार करते हैं हमसे। हाँ? केवल डांटना ही रहते अम्मा जी, बहुत ऊंचा आवाज में डांट रहे थे हमको, बहुत उल्टा सीधा भी बोले रहे हो। मेरे इतनी हिम्मत, ये तो हमरे बहुरिया डांटेगा? हाँ हिम्मत हुई काकलोगी, मारोगी? मारोगी? हम खुद ही खुद को मार लेते हैं। बहुरिया लगता ही पगला गया है, भागो। हमारे भंडारी बोल रहे हैं। तुम तो सीआईडी में हो ना भाई, जरा पता करो ना कि कौन परेशान कर रहा है। मैं बार बार फोन करके, पहले फोन करता है फिर रिश्तेदारियां निकालने लगता है। अरे दिमाग खराब कर रख दिया इस कंबख्त ने यार। हाँ, कभी कभी जो धुर्रा प्रेम नगर वाली धुर्रा देवी, कभी वो धुर्रे लाल, कभी छित्तर चाचा, कभी छित्रपाल, और जाने क्या क्या। यार हम तुम्हें एक फोन नंबर दे रहे हैं, जरा पता करो कि ये शख्स है कौन, कहाँ रहता है, क्या काम करता है यार। प्लीज जरा पता कीजिए यार, परेशान कर दिया इस आदमी ने। हेलो तिवारी जी। जी, हाउ आर यू? काय का हाउ आर यू? सब अपना कमाना खाना है और क्या। तिवारी जी, क्या हुआ, ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है भाभी जी, आप प्रॉब्लम की बात कर रही हैं। पूरी लाइफ जो है वो अपने आप में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, पूरी लाइफ अपने आप में प्रॉब्लम है। तिवारी जी, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना एंगर मैनेजमेंट। आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, ऐसे चिड़चिड़ाहट भी बहुत हो रही है। गुस्सा आ रहा है? अरे भयंकर गुस्सा आ रहा है भाभी जी, भयंकर चिड़चिड़ाहट हो रही है, ऐसा लग रहा है नोच खाए सबको। तिवारी जी, काम डाउन। आप ना एंगर मैनेजमेंट का एक कोर्स कर लीजिए। ये देखिए, मैंने शुरू किया है, इससे आपका सारा गुस्सा, सारी चिड़चिड़ाहट खत्म हो जाएगी। आपके लिए बहुत अच्छा पैकेज करके दे दूंगी मैं। अच्छा, तो नमस्ते भाभी जी। अरे खुश रहो, ठीक है, खुश रहो टिल्लू। प्रणाम भैया जी। भाभी, इस कोर्स के अंतर्गत क्या क्या आता है? प्रणाम भैया जी। हो गया ना प्रणाम 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 प्रणाम, सारा दुखी कर दिया। हाँ भाभी, बताइए इस क्या कोर्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्या है? तो तिवारी जी, इसमें टोटल 16 सेशंस आते हैं, और जिस प्रणाम जी प्रणाम समझ में नहीं आ रहा, साले इज्जत देख दे रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। प्रणाम भाभी जी। ये तो मुझे प्रणाम कह रहा था, क्या हो गया इनको? पहले तो कभी ऐसे रिएक्ट करते हुए नहीं देखा।
तिवारी जी आप ये बताइए, आप घर पे पैदा हुए थे या हॉस्पिटल में? भाभी जी उस वक्त हम गांव में थे तो वहाँ अस्पताल की सुविधा नहीं थी, तो जाहिर सी बात है घर में ही पैदा हुए थे। आप जब पैदा हुए थे तो आपकी मम्मी ने क्या खाया था, आपको कुछ याद है? मूली के पराठे खाए थे भाभी जी। आपको कैसे पता? वो तो आप खुद ही समझ लीजिए। आप दिन में पैदा हुए थे कि रात में? रात में। तिवारी जी ये बताइए, आप जब पैदा हुए थे तो सबसे पहले आपने किसके ऊपर सुसु किया था, मम्मी के ऊपर किया था या पापा के ऊपर? पंडित रामफल पे। तिवारी जी आप बचपन में बिस्तर पे सुसु करते थे क्या? अब भाभी जी बचपन में तो हर कोई बिस्तर पे सुसु कर देता है, और हम तो आज भी जब ज्यादा टिका लेते तो बिस्तर पे। तिवारी जी जब आप पैदा हुए तो बारिश हो रही थी, ठंड पड़ रही थी भाभी जी। उस वक्त फिल्म कौन सी रिलीज हुई थी? पड़ोसन का मारा ये दिल बेचारा। आपकी मम्मी ने वो फिल्म देखी थी क्या? भाभी इस बात का हमारे एंगर मैनेजमेंट पे से किसे क्या ताल्लुक है बताइए? ताल्लुक है तभी तो मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ, मैं कोई फालतू के सवाल तो आपसे करूंगी नहीं ना। हमें नहीं पता भाभी जी। अच्छा आपकी मम्मी का फेवरेट एक्टर कौन है? कोई तारा सिंह करके था। ये कौन है? ये है कोई एक फिल्म रिलीज हुई थी वो भगदड़, उसमें उसने वो नल उखाड़ दिया था, बस वही उनका फेवरेट एक्टर। तिवारी जी आपकी मम्मी की मुलाकात कभी इन तारा सिंह से हुई थी? हाँ अम्मा एक बार शूटिंग पे पहुंच गई थी, बस अम्मा को देखते ही वो तारा सिंह के तोते उड़ गए। तोते उड़ गए? अम्मा एक्साइटमेंट में जाके उनके गोद में कूद पड़ी तो उड़ गए। फिर तो उड़ने ही थे। हम सुन चुके, अब तुम पहले हमारी ठंडे दिमाग से एक बात सुनो रज्जू। अरे यार जहाज पे जाने को प्रोग्राम हटो, लेकिन वो कैंसिल होगा ना, 10 बार बता रहे। अगर रेशम पला ने कर दो ना। अरे रेशम पला अपनी बीबी के साथ में जा रहा हुआ है, मरन लंदन जा रहा हुआ है, हम जूनियर हैं, हमें सुननी पड़ेगी। अरे सुनिए, देखने में फोन पर बात कर रहे हैं सर, 2 मिनट। कॉन्फ्रेंस चल रही है क्या? बीवी का कॉल है। अरे यार अच्छा, जब धमकी हर बार वही पुरानी धमकी, तो मैं कह रहा हूँ हम डर जाएंगे। चलिए चलिए बताइयों, चलिए आता हूँ। नौ ठैया बच्चा गए चूल्हा में, हम सब देख लेंगे। कसम से कह रहे अगर तुमने घर के बाहर कदम धरो तो सारे हम अकेले सच में चले जाएंगे बैंकॉक। अरे आप बैंकॉक जाइए, ताशकंद जाइए, लास वेगास जाइए, हमें वहां घूमने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी ड्यूटी जो है वो ढंग से कीजिए आप। तुम सारे तिवारी हमारे थाने में आके ऐसे उंगलियां दिखा दिखा के जो बातें कर रहे, तुम सारे गवर्नर हो कौन के? हम जनता है, जनता तो जनता हो तो जनता के पजामे में रहो, पजामा फाड़ के बाहर ना आओ। तो जनता की बात नहीं सुन रहे हैं ना आप? बात कर रहे थे ना तो, ओके। अब बताओ क्या प्रॉब्लम हो गई, काई चची आ रही है इतनी? बात ऐसी है कि एक आदमी हमें फोन कर करके छेड़ रहा है। का खेल रही तुम? तुम्हें ससुर लौंडा लपाड़ी छेड़ रहे, तुम कौन सी नई नवेली दुल्हन हो रही जो तुम्हें छेड़ रहे? तुम्हें काहे छेड़ रहे? ये क्या बेहुदा सवाल कर रहे हैं आप? सिर्फ औरतों को ही छेड़ा जाता है क्या? आदमियों को भी तो छेड़ा जाता है। तुम्हें दादा ऐसू काहे जो आदमी है तुम्हें छेड़ रहे, ऐसू काहे जो हमें नहीं पता। दुर्रा भैया तिवारी जी को केस नहीं होती दादा, इस टाइप की केस तो हमने जिंदगी में सारे लिखे नहीं है जब से नौकरी कर रहे। तुम चाहे बोल के आओ, इन्हें बाहर छोड़ के आओ। दुर्रा अरे तो क्या चाहते हैं आप? वो आदमी आके हमारा मर्डर कर दे तब केस दर्ज करेंगे आप? तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लू ना, इंतजार। तो आप क्या चाहते हैं? का वो आदमी आके हमें मार दे?
अरे मरना तो आप जैसे लोगों को चाहिए जो अपनी ड्यूटी भी ढंग से नहीं निभा पाते। अगर हमारा बस चले ना तो आपको ऐसे ऐसे लतिया के जो है यहाँ नौकरी से निकलवा दे, समझे आप? कर्मचारी के बारी हमारे थाने में आके हमारे सामने सारे चुटकी बजा के ऐसी बातें कर रहे, तुम हो तो कौन है तू? अबे तू कौन है? तू कौन? तू तू एक नंबर का नौछावर खोर, अरे कानून का दलाल है तू, दलाल तू। वो बोलो जो बोलो, तुम सारे थाने में तू तू करके बात कर रहे, दलाल बोल रहे हैं। हाँ हाँ तू काहे के दलाल? तू 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 तुम सारे थाने में तू तू करके बात कर रहे, दलाल बोल रहे हैं। अबे छोड़ो जैन साहब। अबे जय हिंद। जैन साहब जैन साहब जैन साहब, ये क्या समझ के रखा है आपने पुलिस स्टेशन को, अखाड़ा कुश्ती का मैदान? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, शर्म का बताएं, जब आप नहीं आए थे जो आदमी हमसे बहुत बदतमीजी से बात कर रहा हो तो। अबे तो तू क्या नवाब है लखनऊ का? तेरी जुबान से क्या शहद टपक रहा था? देख रहे आपके सामने भी तू तू करके बात कर रहा हूँ तू। अब तो कहेंगे ना तू तू, ये ले तू। भ्रष्ट दरोगा। देख रहे सर, सर 7 बार तो बोल चुको तू तू तू, 7 में थू और 1 बार साले साले भी बोली, कब जवाब दोगे? मिस्टर तिवारी, आप पुलिस स्टेशन में किसी भी ऑफिसर के लिए ऐसे अल्फाज यूज नहीं कर सकते। करेक्ट सर, इसे ऐसे अल्फाज सुनने की आदत है। ये नंबर 1 का न्योछावर खोर बदजात और काइया इंसान है, एक बार और करेंगे थू। अब की बार आपके मुंह पे आ थू को जाने। मिस्टर तिवारी, आप अपनी जबान को कंट्रोल में रखिए। बिल्कुल सही कहा, हमें यही सुनने तो। और तुम भी, तुम भी अपनी जबान को कंट्रोल में रखो अप्पू सिंह। ओके सर, ओके। अगर आप है गुस्से से परेशान तो चिंता मत कीजिए मेरी जान, क्योंकि मॉडर्न कॉलोनी में खुल गई है एंगर मैनेजमेंट की दुकान। प्रोप्राइटर्स अनीता मिश्रा। अरे दादा, अब जो तिवारी सारो मरेगो गोरी मैम के पास, अब ये दरोगा मरेगा भाभी जी के पास। का? तिवारी जी, आप शर्मीले इंसान हैं या बेशरम? नहीं भाभी जी, हम शर्मीले नहीं हैं, हम तो बेशरम हैं। नाइस। गुगुरू बादिए और नाचिए जी, नाचिए।
कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत ही गुस्सा आ रहा। तिवारी जी, अंगूरी जी के अलावा आपका दिल किसी और औरत के लिए धड़कता है? आपके लिए धड़कता है भाभी जी। तिवारी जी, आपके ये होठ क्यों फड़फड़ा रहे हैं? अरे आप खुल के बताइए, ये एंगर मैनेजमेंट की क्लास है, यहाँ कोई आपको जज नहीं करेगा। आप एकदम साफ साफ बताइए कि क्या आप किसी और से प्यार करते हैं? क्या आपका दिल अंगूरी जी के अलावा किसी और के लिए धड़कता है? किसके लिए धड़कता है? है एक लड़की गोरी गोरी सी, बिल्कुल अंग्रेजी छोरी सी, प्यार की पक्की डोरी सी, रेशम की डोरी सी। तिवारी जी, कविता मत सुनाइए। आप बताइए कि क्या आप अंगूरी जी के अलावा किसी और लेडी से प्यार करते हैं?